या फोन भी नहीं उठा रही है। पांडे एक बात बता, ऐसा कौन इंसान है जिसके नाम में मान होता है मगर मान देने की बिल्कुल इच्छा नहीं होता? कौन? मेहमान। क्योंकि मेहमान कभी भी किसी के भी घर में टपक सकते हैं। बात तो सही। जैसे तेरी माँ आज इधर टपकने वाली। ए, मेरी माँ? हाँ। ओ हाँ, मेरी माँ। तो दोस्तों, आज द हैप्पी आवर में आने वाली है मेरी मम्मी। तो बॉलीवुड स्टार्स और मेरी मम्मी के साथ मजा दुगना होने वाला है। कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़की थी जिसपे आप दोनों का दिल आया हो? दादा का दिल तो हर एक पर आता है। क्या आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्लर्ट किया है? शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? ये सवाल मत रखना, लोग टीवी में घुस के मारेंगे। सामने आ गई। और हाँ, इस बार जाने की कोई जल्दी नहीं करूंगी, अच्छे से रुक के जाऊंगी मैं तो। खींच तो रहा हूँ। अरे जोर से खींच, जोर से खींच रहा हूँ। अरे टांग क्या खींच रहे कुत्ते? और खींच। तू वहां पे क्या कर रही थी? मुंह क्यों फंस गया? अरे तेरी माँ से छुप रही थी मैं। अरे तेरी माँ मुझे कहती है कि अरे मेरी बहू को तो सब्जियां लेने की बिल्कुल अकल नहीं है। कृपया करके आप कुछ ज्यादा ना बोले, मैं अपने शब्द वापस खा लूंगी। चल मैं देखती हूँ क्या उनके बेटे में कितनी अकल है। ठीक है, पूछो। बता, अगर एक बैंगन की शादी हो जाए तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? He wouldn't know, किसी को नहीं पता। कौन होगा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? हाँ, बैंगन की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। I'm joking. चल एक और बता, अगर एक पत्नी को अपने पति के साथ पालक खरीदने जाना हो तो कौन सा गाना गाएगी? कौन सा गाना गाएगी? पालक तक चल साथ मेरे, पालक तक चल साथ। क्या गाना गाती हूँ यार मैं। You are that party starter. जय माता दी, let's rock. अरे तुमने मुझसे बातें करने में जितने टाइम वेस्ट किया है ना, उतने में तो गोविंदा जी यानी कि हमारे सुपर आंटी सब्जियां लेकर भी आ गए। इतनी आहें क्यों भर रही हो? उनकी याद जो आ रही है। अरे तो फिर हटा सावन की गड़ा, खा खुजा बत्ती बुझा, सोजा निंटुकले पिंटुकले, मंडी पे खड़े रही आंटी बजा रही है बार बार घंटे। आप कौन? मैं डॉन। मुझे पता है मेरी एज की लड़कियों में आपको इंटरेस्ट नहीं है। वैसे इतना चिकना लगने का क्या मतलब हुआ?
मूंछों के साथ भी क्लीन शेव लग रहा है। आप मेरी तारीफ कर रही है या बेइज्जती कर रही है? बेइज्जती हो रही, बेइज्जती। और ये फिट एंड हेल्दी कब लगा रही है हल्दी? क्या हो रहा है? आप हैं कौन? मैं? हाँ, मेरा नाम है सुपर आंटी। सुपर आंटी, किसने गोविंदा को डांस किसने सिखाया? गोविंदा को डांस किसने सिखाया? आप लोगों ने ये सवाल पूछ के अच्छा किया। मैंने, आपने? सच्ची चिच्ची को पे गच्ची पे लेके जाती थी और कड़कती धूप में नचाती थी, नीचे से चटके लगते थे तो ऊपर से डांस निकल आता था। बांधी कमरिया पे सारी के आई अब आंटी की बारी। बांधी कमरिया पे सारी के आई अब कंट्रोल 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 संयम, ये हमारा शो है, नॉट नाटक नहीं है। मेरे को तो शो नहीं लगता है। अरे सुनिए तो, आपने सिखाया, समझ में आया? हाँ। आगे बात करें अभी? हाँ, आप यहाँ पे ऐसे घुस नहीं आ सकती। मैं तो घुस चुकी हूँ। उसके बाद तुम्हारा ये सवाल पूछना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पनी, देखिए, थोड़ा संयम रखिए। आप नाराज हो रही हैं, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। समझा रहे हैं जी, बहुत टची हो रही है। टच नहीं कर मूवी, मैं हूँ छुई मूवी। आपको हम प्यार से समझा रहे हैं ना? समझा रहे हैं। समझने से याद आया, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ए ना समझ, ना समझ, ना समझ मुझे, मेरी समझ तेरी समझ की समझ के बाहर है। माँ, ए माँ, माँ क्या है बोलना? माँ माँ माँ, गुस्सा क्यों है तू माँ? जब से तेरी शादी हुई है तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है, बस दिन भर उस बहू की रट लगा के रखता है। चल। बहुत सीरियस हो गया मामला। अरे ऐसा नहीं है माँ, मैं तेरी शॉपिंग करवाता हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए? है? तू शॉपिंग करवाएगा? हाँ बता क्या चाहिए। टोटे बैग, शोल्डर बैग, ऑफिस बैग, क्लच बैग, टफल बैग, टी बैग, आई बैग, क्रॉस बैग, बास्केट बैग, आई बैग, आई बैग। ए नहीं नहीं, वो वाला बैग तू अपने बीवी को दे देना। गलत है ये। मुझे यही बैग दिला दे तू। है और कुछ तो नहीं चाहिए ना? अरे ऐसे कैसे, और चाहिए ना? सुनते जा बस। स्ट्रेट जीन, स्किनी जीन, बुटकट जीन, फ्लेयर जीन, नोरा जीन, हाई वेस्ट जीन, कैप्री जीन, रिप जीन। मेरी माँ, अरे जब इतने जीन ले ही रहे हैं तो एक अलादीन वाला जिन भी ले आ यार। तेरी तो पहले से ही बत्ती गुले भाई। मेरे पास पैसे नहीं है। ओह माय गॉड, ऐसा क्या है? कहाँ नहीं है? जेब में नहीं है, पर्स में नहीं है, अकाउंट में नहीं है, बैंक में नहीं है, तिजोरी में नहीं है, बहू को दे दिया क्या सारे पैसे? माँ शांत कर, एक काम कर, ये ले, इसमें मेरी सारी धन जायदाद है, अब खुश खुश। हाँ अभी के लिए मैं खुश हूँ, इसी से काम चला लूंगी। हाँ चल बाबा। मेरी माँ के तो चेहरे पे स्माइल आ गई है, अब आपके भी चेहरे पे स्माइल आई है। ये तो आपके फैन थे पहले से ही, इन्होंने कहा। आप पहली बार उनको कब मिले? मैं बाबा उस एरिया में, जिस एरिया में बाबा और पार्टी एक ही साथ में, तो जहाँ पे भी जाता तो बाबा तो था ही, तो हम लोग साथ में, इट वॉज एरिया का था ना, अपना बॉन्डिंग हो चुका था। और ये अमीर घर का? अमीर घर का मतलब बहुत, मतलब फ्लैट वाले, फ्लैट में, वैसा हम लोग ने सोचा भी नहीं। कौन अमीर कौन गरीब क्या देखता है भाई? आज भी कौन, आज भी कौन देखता है वो? मगर समझता हूँ कि भूख तो गरीब लोग को लगता है, अमीर को भी वही लगता है, मगर वो सब कहाँ जा रहे हैं भाई? ये इसकी बात कर रहा है। जीन्स हम लोग को ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। बाबा सिस्टर सुनील सिस्टर वॉज इन यूएस, so from US he used to always get bags full of jeans.
हम लोग हमेशा वही सोचते थे कि यार क्या जीन्स पहनता ना, क्या जीन्स पहनता है, सब सिस्टर भेजा करती थी, तो असली कपड़ा पहनने वाला तो बाबा ही था। लेकिन मैं जीन्स पहनता था, स्टड जीन्स इनका पास था, स्टड जीन्स के पास। लेकिन आप बोल रहे थे कि जब जब सूटकेस खुलता था अमेरिका का, सबसे पहले आप बेल्ट छुपा देते थे। नहीं नहीं, वो जब मैं मिस्चिफ चला रहा था, व्हेन आई यूज्ड टू डू द स्टोर, मिस्चिफ एक स्टोर है जो अन्ना चलाते थे, जो हमारे हाई फैशन स्टोर हुआ करता था, जिसके अंदर जाने के सिर्फ हम सपने देखते थे। जी बिल्कुल। तो जब भी मैं, मुझे कोई बोलता था कि दादा आ गए, तो मैं बेल्ट हो जूते हो छुपा देता था, क्योंकि दादा उतार देते थे सीधा, उतार 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 उतार। अरे पहना हुआ उतार देते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं होता, शर्ट उतार उतार उतार, तो मैं छुपा के एक दूसरा किसी का पहन के खड़े हो जाता था, गरीब आदमी की तरह। ऐसा कुछ नहीं क्या था कि तीन पिक्चर दिन में होना जरूरी होता था, तो कपड़े कहाँ कहाँ से लाए, तो बाबा एक ही था, इसके पास ऐसे ऐसी चीजें होती थी, जूते, सॉक्स, बेल्ट, जींस, ब्रोच, ये वो, दुनिया भर का आइटम, हाथ की चीजें, ये वो, तो मेरे लिए हमेशा लेके आया करता था। अभी बोलता है कि मैं छुप जाता था और निकाल देता था, ये सब बोलने की बात है, हमेशा लाया तो मेरे लिए लाया। नहीं, वो फैक्ट। लेकिन आप, आपने कहा कि दांडिया के लिए जाते थे सोशल, कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़की थी जिसपे आप दोनों का दिल आया हो? दादा का दिल तो हर पे हर एक पे आता है। दादा दादा मेरे पास जीन्स थे, दादा के पास जीन्स थे, सोलो थे ना यार, सोलो ना, सोलो, हाँ देखा, मैंने हिंदी में सोलो थे, दोनों का दिमाग, दोनों का सोलो थे। अरे नहीं, उससे बेटर सवाल मैं पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ था कि डबल डेट पे गए थे आप लोग शादी से पहले? शादी से पहले हम लोग डबल नहीं, सेवन डेट, सेवन सेवन, सात जन, सात, हम लोग एक कपड़ा, कोई एक ड्रेस पहन के डिस्को तक में जाते थे, और लाइन से हम लोग ऐसे, और लड़की हमारी गर्लफ्रेंड सामने, and we used to dance. But तभी के डेट्स कैसे होते थे? यही वो जैसा होता है, कैसा ऐसा कैसा, देख देख, देख, सबको मालूम है। नहीं 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 दादा, सबको मालूम, नहीं अलग होता, नहीं अलग होता, अलग होता, नहीं दादा अलग होता था, सुन, उस वक्त डेट हुआ करता, आजकल नाइट होता है। सही बात, सही बात। It was too simple, यार, खाना खाने जाओ, पिक्चर देखने जाओ, that was a date. बोल रहा हूँ इन लोगों का, कभी नहीं। वैसे आज तो सब कुछ इंस्टेंट हो गया, कॉफी, नूडल, कुछ कुछ पकाने को मिल ही नहीं रहा, मिली नहीं, मतलब रोमांस नहीं, ना लेटर लिखे, ना हार्ट काट रहे, ना कलर कर रहे, ना पढ़े रहते, जब आते तो उनकी आंखों में देखते, आजकल मोबाइल को देखते, पहले तो हमारी गर्लफ्रेंड्स की आंखों में हम लोग देखते थे। क्यों क्यों आंखों में क्यों देखते? अबे वही तो है बुरा, क्लियर हूँ मैं। व्हाट 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 व्हाट, जिंदगी में शादी से पहले तुम दोनों ने कभी लड़कियों को 100 के ऊपर झूठ बोले? नहीं बोला, बोला बोला क्या झूठ, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर झूठ, 100 मतलब एक को एक बोला तो फिर 100 ही हो गया ना, मतलब झूठ, मतलब किस तरह का झूठ, नहीं मैं वो नहीं था, नहीं नहीं मैं, मतलब मैं घर छोड़ के मैं अपना ये चाली में रहता हूँ, हाँ। ये खोली में रहता हूँ, वो सब दिया, क्योंकि वो खोली इमोशनल करने का था, खोली दाना भी, तो अगर वहां ले जाता तो लोग बोलते यहाँ रहता है फर्नीचर, शायद निकल जाते। वाह वाह वाह। आप दोनों को जब शादी से पहले की बात करो, पुरानी पुरानी गर्लफ्रेंड्स जब कभी कभी दिख जाती हैं अपने बच्चों के साथ, या शायद उनके बच्चों के बच्चे हो गए, कैसा लगता है? देखता हूँ, लगता कैसा भी नहीं है, खाली सोचता हूँ अगर अगर मेरे होते तो बच्चे कैसे दिखते। मैं सोचता हूँ कि अपन दिल भी क्या चीज है बेटू, कभी कभी लगता है कि इसके बिना अपनी जिंदगी गुजरेगी नहीं, और कभी 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 याद, और कभी कभी देख के लगता है कि अच्छा हुआ शादी नहीं किया। बच गया, बच गया, दादा दादा दादा, सच्ची बोलो,
I mean, see, Aisha today is so pretty. No, lovely. So जो है सही है, वैसा कुछ नहीं रे. मैं यही सोचता हूँ कि दिल कितना मतलब इतने दिन संभाले रखा था, दिल को सीने में मुस्कुरा के तुमने देखा, दिल तुम्हारा हो गया. तो ये सारे लोचे बोलते, इतना कमजोर है दिल, इतना फ्लिपेंट है दिल कि कितना जल्दी चला जाता और कितना वो घट है, थिक स्किन है, सुअर का चमड़ी है लगता है. कि कभी 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 ऐसा लगता है कि दिल मतलब बोलते पत्थर का है, पत्थर भी है, मोम भी है, माँ की आंखें. इसके बिना रह नहीं सकता हूँ. और चले गया और वो गया तो गया. इतना होता था कि नहीं मर जाऊंगा, जान दे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर समझ में नहीं आता बिड़ू. नहीं ना, वक्त वक्त की बात है ना. ग्रेट फिलोसफी, मालूम ही नहीं भागी आपने. या मैन, एक घर की साफ सफाई करके बदन टूट गया रे, थक गया मैं. परमेश्वर, सेहत के लिए जहर करना, इतना नींबू पानी लेके आना. डरते रहे यार. अरे अरे लीजिए साहब, लीजिए. थैंक यू परमेश्वर जी. अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. अच्छा है. अरे नींबू पानी मंगाया था, ये क्या है? अरे नींबू पानी है, हम साबुन मिक्स करके लाए हैं. गोलमाल है. उधर कल रात से वॉशिंग मशीन में कपड़े तोड़े हुए हैं, उसका कुछ कर. अरे मालिक भी तो इतने सालों से घर में पड़े हैं, आप पहले इनका कुछ कीजिए. अरे मालिक तो निठल है, उनका तो क्या है. अरे मालिक को आप छोड़िए और मेरे साथ आ जाइए. ये तो चीटिंग हो रही है. इतने सालों से आप पति का नौकर बना के घूम रही हैं, थोड़ा नौकर को भी पति बना के देख लीजिए, मजा आ जाएगा. अरे तो हम भी आपको परमेश्वर बुलाते हैं, सिर्फ पति को लगाना बाकी है. ऐना, तू मेरे प्यार का इम्तिहान ले रही है, लेकिन जैसे प्यार इम्तिहान लेता है आराम से, वैसे ही दोस्ती भी इम्तिहान लेती है आराम से. आराम से क्या, वो देख, अनुष्का और शाहरुख की दोस्ती इम्तिहान ले रही है. पहला सवाल आप तीनों के लिए, और देखना नहीं है. नहीं देखना. सच्ची में देखना, एग्जाम में लिखना. शाहरुख का सबसे बड़ा डर क्या है? समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, मैं कैसे लिखूं. अरे व्हाट डज शाहरुख गेट स्केयर्ड ऑफ? मैक्सिमम तू एक वर्ड भी लिख दे उससे मिलता जुलता. पहले शुरू करते हैं शाहरुख से. शाहरुख यू हैव टू शो इट. हां, शाहरुख का सबसे बड़ा, कोई मेरे हाथ काट डालेगा. ओ रुपेश यार, ये क्या फियर होता है? ये मेरा फियर है कि मैं ऐसा, मेरे कोई नीचे से, ऑनेस्ट टू गॉड मैं झूठ नहीं कह रहा. आप शोले के सबसे बड़े फैन है. मैं उसके ऊपर से काटे गए मेरे आपके. अगर मैं सी, बड़ी आयरॉनिक बात है कि मैं ऐसे चीज के लिए फेमस हूँ, लेकिन मेरे को अगर कोई ऐसा बोले ना थोड़ा हाथ ऊपर कर, जैसे वो दर्जी जब मेजरमेंट लेता है, तो मुझको ऐसा जेन्युइनली मेरे को सबसे यही मेरा जिंदगी. अजीब बात है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो पहले आप खुल के ऐसा करते थे, आजकल ऐसे करते हैं. नहीं नहीं, वो सीन में मैं कर लेता हूँ, बट मेरे को रियल लाइफ के अंदर जैसा मैं बात कर रहा हूँ. अब मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन उसने कहा तुम्हारे को इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, पहले वो सॉल्व करने थे. बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग ऑकवर्ड. दिस इज योर फियर? दिस इज माय फियर, दिस इज द ओनली फियर आई हैव. अनुष्का आपने क्या लिखा है? और वेरी फार अवे फ्रॉम इट. जी देखते हैं. पोस्ट स्टारडम लाइफ और चिल्ड्रन गोइंग अवे. पोस्ट स्टारडम लाइफ मतलब स्टारडम जाना, हां, एंड चिल्ड्रन गोइंग अवे. और चिल्ड्रन गोइंग अवे, और ये दोनों ही नहीं हो सकता. बच्चे भी कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, स्टारडम भी कहीं छोड़ के नहीं जा रहे. जेन्युइनली इसी बात का मुझे एक फेयर है. और दूसरा मुझको वो जो आप देवदास का कर रहे थे, मैं झूले पे नहीं बैठ सकता. झूले पे नहीं बैठ सकता? मैं यहाँ से छलांग मार सकता हूँ, लेकिन झूले पे नहीं बैठ सकता हूँ. क्यों? बचपन में झूले पे नहीं बैठे थे? मैं बचपन में, अभी भी मुझे बिठा दो, जब मैंने वो सीन भी किया था, आई वॉज होल्डिंग एश लाइक दिस. ओके ना, वो क्या था पारो गाना, क्या था वो? अनुष्का के लिए. जी.
अनुष्का अनुष्का की बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हीरोइन कौन है? तू लिख लिख जा रहा हूं मैं रेडी रेडी अनुष्का क्या है सारी की सारी किसी को नहीं छोड़ूंगी सारी की सारी किसी को नहीं छोड़ूंगी अरे वेरी गुड जोगिंदर जोगिंदर रंगा खुश रंगा खुश अच्छा मैं लिखा है कोई भी नहीं है यूनिक है इसके जैसी कोई नहीं ये रेस में ही नहीं है हाउ स्वीट यार शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है डॉट डॉट कोई मैं बोल रहा हूँ ये सवाल मत रखना लोग टीवी में घुस के मारेंगे खुद सॉरी खुद एसआरके सब लोग उठा लो हाँ क्यों फेंके अरे सॉरी सर ऐसे विद्या को नहीं फेंकना चाहिए अनुष्का लड़कों में कौन सी चीज से सबसे ज्यादा इम्प्रेस होती है सिंपल मुझे मालूम है ये मुझे मालूम है फिर से तूने पॉलिटिकली करेक्ट जवाब रेडी अनुष्का मैंने लिखा ऑनेस्टी एंड सेम वैल्यू सिस्टम ऑनेस्टी एंड सेम वैल्यू सिस्टम एज योर्स मैंने लिखा मैनर्स शिवलरी मैन लाइक टेंडरनेस एंड केयर मैनर्स शिवलरी मैन लाइक टेंडरनेस एंड केयर वाओ हां मतलब कि यार शी लाइक्स आई थिंक कि बिहेवियर सही है और रिस्पेक्ट हां ये वर्ड अच्छा है ये रिस्पेक्ट एंड अदर ये भी आई लाइक मतलब ओवरऑल 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 यू लाइक बटलर्स हेलो गुड इवनिंग यू लाइक बटलर्स ये परफेक्ट मैन हो गया ये परफेक्ट मैन तीनों को मिला दिया आखिरी वाला शाहरुख के लिए आप सबको भी बहुत मजा आएगा शाहरुख सबसे पहले एक लड़की में क्या नोटिस करते हैं मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूं मुझे लड़कियों के बारे में हर चीज अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं कि यार तू पॉलिटिकली करेक्ट जा आवाज और हंसी ये पहली चीज नोटिस करते हैं लड़की अगर बात नहीं की और हंसी नहीं तो फिर और चीजें नोटिस करता हूँ नहीं नहीं मतलब सचमुच अगर ऐसे बात बात करने लगे नॉर्मली कर ही लेती हैं लड़कियां तो फिर मुझे भी आवाज और हंसी पसंद आवाज मतलब क्या बात है स्माइल तक तो पहुंच गया है स्माइल और हंसी हंसी या स्माइल एंड आईज या आवाज और हंसी आवाज और हंसी और अगर हंसी एकदम खूबसूरत है और आवाज हेलो हाउ आर यू ऐसी आवाज तो फिर क्या होगा जो मेरा मुकाम है इस वक्त आवाज और हंसी अच्छी भी हो तो तब भी कुछ नहीं होगा एक चीज अच्छी हो एक गंदी हो तब भी कुछ नहीं होगा दोनों भी बुरी हो तो कुछ नहीं होगा मैं बस देखूंगा और चला ही जाऊंगा मैं क्या करूंगा तो ठीक है ये पिटारा बंद करते हैं वेल डन आई थिंक दे नो ईच अदर रियली वेल बहुत सारे वेल डन कांग्रेचुलेशन एक मेहमान का घर आके रहना कितना चैलेंजिंग होता है कितना काम करना पड़ता है अनुष्का आपके हिसाब से मेहमान कौन होता है जो हर पल कुछ भी बकता हो वो होता है यार अरे खुद के ही घर में सोने की जगह नहीं होती मैं रात को फ्रिज में जाके सो जाता हूँ हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है बता पांडे अरे नहीं मतलब मेरी मम्मी जी आई है ना कहाँ है मम्मी वो जी अंदर ही है अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ फट से बाहर निकालो हमारा कितना काम मर गया उनकी कारण वैसे विवेक आप आपकी सास के साथ क्या करते हो उकसाने की कोशिश करता हूँ और अगर वो आपके पास आके आपसे बात करने लगे तो क्या करते हो मैं देख ही नहीं रहा उस तरफ अरे विवेक वो देखो आपकी सास उमा गई मम्मी इज आउटसाइड धर्म संकट में आ गई नहीं नहीं कुछ और भी कह रहे थे मर गया पैक अप जी बिल्कुल अरे आफ्ताब आप भी विवेक भैया के साथ थे सर बताओ ना क्या कह रहे थे बहुत अच्छा खाना बनाती है ए नीचे उतर हां जाके काम कर चल और मेरी सास खाना कैसे बनाती है एवरीवन नोस कि बहुत अच्छा खाना पकाते हैं
थैंक यू बेटा, चलो अब मैं जाती हूँ। अबे रुका यार! अरे रे, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा अच्छा, थोड़े दिन और रुक जाती हूँ मैं। अरे सलमान, खुद तो शादी की नहीं, ये ससुनो वाला झंझट ताला नहीं, मेरी वाली को क्यों रोक रहा है यार? अरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं यार। हाँ हाँ, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और साथ में इतने चैलेंजेस जो आते हैं, उनकी बातें कौन करेगा है? हाँ। अक्षय कुमार भैया। लो भाई एक मिनट रुक जाओ, इसको बताया गया कि ये मेरे वो चैलेंज करेगा भी। आपको मेरा चैलेंज करके दिखाना है। अच्छा, ये क्या क्या चाहिए तेरे को? ये करके दिखाओ। हाँ? दिखाओ, हाँ। ये करके दिखाओ, ओके? नहीं नहीं। ये कौन करेगा? सर ये आप ही को करना है। हाँ, इन कपड़ों में? ये तो नंगे आए हैं, मैं कहाँ? मैं तो कपड़े पहन के आया हूँ। सर सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर ये जैकेट निकल जाएगा हमारी पब्लिक तो पागल हो जाएगी। कर, ये काम है तेरा? छह महीनों से चीनी है कहाँ घर में? क्या फालतू बातें कर रहा है यार? अरे पांच महीने से कुकर में कुछ पका तक नहीं है। परमेश्वर! अरे ओ परमेश्वर! कहाँ गया वो नौकर? हाँ, उसे कहा था कि कपड़े धो देना मेरे, अभी तक नहीं धोए, काम चोर कहीं का। घर में ना पाउडर है ना साबुन है, कैसे दूं? अबे ये क्या कह रहा है? देख। हाँ हाँ, देखता हूँ देखता हूँ। ए, ये क्या बातें कर रहा है? इतनी भी गरीबी नहीं है इस घर में। ओ, मुंह मत खुलवाओ मेरा। अरे आपको पता है बाल कैसे कटवाता है? कई पेड़ों की कटाई हो रही होती ना, वहाँ पे बीच में जाके अपना सर डाल देता है और बाल कट जाते हैं। इनको ना वड़ा पाव के लिए भी अपनी एफडी तुड़वानी पड़ती है, तब जाके एक वड़ा पाव होता है। ए, बकवास बंद कर और जाके नाश्ता बना, चल। नाश्ता? इस घर में? अरे इस घर में तो चूहे भी बाहर से खा के आते हैं। अरे शांत हो जाओ जान। जान तो तुझे? अरे जानती हूँ ये सब प्रॉब्लम यार, ऐसे कह रही हूँ। अच्छा, लेकिन हम लोग वो नहीं जानते जो वहाँ फरा और करण डिस्कस कर रहे हैं, आओ वो देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स प्ले अ गेम। तो हम क्या करेंगे, आप दोनों को ये एक एक बुक देंगे, ये एक एक पेन देंगे, सवाल पूछेंगे, आपको इसके जवाब लिखने, एक दूसरे को नहीं दिखाने। उसके लिए फरा आप यहाँ आके बैठिए प्लीज। फरा इधर आ जा। We have to say in one word. आप एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। चलो तो अब पिटारा खोलते हैं और एक नाम निकालते हैं, और वो सवाल है, अगर करण को टैटू करवाना होता तो वो जिस्म के किस हिस्से पर टैटू कराएंगे?
अब देखना है, करण एक जवाब लिखेगा, फारा एक जवाब लिखेगी, हमें देखना है कि दोनों के जवाब मैच होते कि नहीं। मैच हो गए तो दोनों को इनाम मिलेगा 17,000 करोड़ रुपए का ब्लैंक चेक। ब्लैंक मतलब सिग्नेचर नहीं होगा उसका। और अमाउंट भी नहीं होगा। ओके दिखाया जवाब रेडी? हाँ दिखाएं दिखाएं। फारा ने लिखा है, क्या लिखा है? बैक ऑफ नेक नेवर पुट अ टैटू। ये तो इनकी दोस्ती है, ये दोस्ती है। अरे दे सर अगर डालना हो बैक ऑफ द नेक, नो आई डोंट वेयर सम हियर और सम। अच्छा अगला सवाल, करण को अपनी पूरी बॉडी में से कौन सा बॉडी पार्ट सबसे बेस्ट लगता है? Let's go. Yeah, show. Pout and lips. Bum. किस एंगल से लगता है कि मुझे अपने बम से मोहब्बत है? दुनिया में वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे करण सबसे ज्यादा डरते हैं? Flying with mom. One second. ये है इनकी दोस्ती। एक भी जवाब इनका सिमिलर नहीं था, यानी आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ माय मदर। तो ये रहा सवाल करण जौहर के। अभी ये देखना है कि करण जौहर पारा जी को कितना अच्छी तरह जानते हैं। ओके तो पहला सवाल ये है, फारा को किस एक्टर पे सबसे बड़ा क्रश था? फारा झूठी झूठी मिथुन दा को वर्शिप करती थी, मिथुन दा के पोस्टर लगाती थी अपने रूम में। अरे बचपन में हम सब पागल चीजें करते हैं। आई एम अ डिस्को डांसर पे नाचती थी। ओके एक चीज जो करण की आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब आपको गुस्सा दिलाती फोन बिल भरो तो क्या करोगे? पागल है, मुझे घर बेचना पड़ेगा फोन बिल भरने के लिए। औरंगाबाद में हुई एक अनोखी घटना, अकेली सास को देख बहू ने किया काम तमाम। ऐसा मौका मारा ना, मिला दिया मतलब। अच्छा क्या लिखा है? अरे ये देख, सास ने मरने के बाद लिया बहू से बदला, चुड़ैल बनके रात रात भर भटक के डराती रही, तड़पाती रही। अरे माँ जी, आपको चुड़ैल बनने के लिए मरने की क्या जरूरत? ओह गॉड। अरे जितना उल्टा तू चलती है ना, चुड़ैल के लक्षण मुझ में कम तुझ में ज्यादा दिखते हैं। सासुमा मैं आपको 3 मैजिकल वर्ड्स कहना चाहती हूँ। अच्छा क्या? बाढ़ में जाओ। कैसे बेशरम लोगों को आपने शो में रखा है। अरे हाँ बेशरम तो बहुत है। बेशरम से याद आया, बहू तूने सुबह से मुझे चाय तक नहीं पूछी। अरे सासुमा मेरी डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे कहा है कि आपको इस उम्र में चाय नहीं पीना चाहिए। मैंने आपके लिए एक जो चीज लाई है ना, बस वो पिलाने का मौका दीजिए, आपकी चाय छूट जाएगी। अच्छा क्या लाई है? सैनिटाइजर। बहू साफ हो गई, देख तेरी माँ। आउटस्टैंडिंग। अरे क्या आउटस्टैंडिंग सलमान सर, ये यहाँ मेरा बैंड बजा रही है और आप वहाँ दादा से गाना गवाने में बिजी हो। अरे मेरा साथ दो, इसका साथ में बैंड बजाएंगे। सलमान भैया। हाँ भैया। आपसे एक चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज? क्या चैलेंज है? ओ रुको रिस्की। क्या हुआ? रुको ये सभी को चैलेंज करता रहता है। कहाँ गया बे? ये क्या है? ये क्या है? गए थे कपड़ों के साथ। ये फांसी तो नहीं लटवा देगा मेरे को? ये क्या है? आप इस तरफ से करो, देखते किसका ताकत सबसे ज्यादा है। पकड़ो। बहुत हिम्मत है यार, चैलेंज किया भी तो किसको। माइक दो। ओह ओह वन हेल्प, आई हेल्प यू। अरे वाह, आई लव यू। दादा भी गए, देख दादा को देखो।
दादा 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 एक सेकंड दादा ओम ओम थैंक यू एक चैलेंज देने का है ना तो दादा और मेरे को एक चैलेंज दे दो तू प्रणाम किस तरीके से करता ना वो जो प्रणाम करता ना किस तरीके से करता है दादा 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 आओ ना दादा दादा आओ ना दादा नमस्कार दादा आओ ना दादा 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 आओ ना दादा जोरदार ताली बजाओ दादा मेरे को ये नमस्कार करने की टेक्निक दिखाओ मर्जी कम दादा दादा आओ ना लेटो ना दादा लेटो ना प्लीज दादा लेटो ना दादा लेटो ना प्लीज दादा हाँ हाँ ये हुआ पीछे जाएगा करो क्या बात है ये कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है प्लीज इनको इतना क्रेडिट मत दो ये बहुत आसान है अरे ये दोनों तो छोड़ो ये तो हम दोनों भी कर सकते हैं अगर हम लोग अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे चैलेंज नहीं हम लोग पैकेज डील में आते हैं मेरे को आपको दोनों दोनों को पहले बता पहले बता क्या करेंगे बता मैंने सुना कि आप नाइट में साइकिल चलाते हो तो मेरे मैं भी बहुत अच्छे साइकिल चलाती हूँ तो आप और मैं चलो एक रेस हो जाए साइकिल का कौन जीते और कौन हारे
उसके बाद दादा और मैं तेरे को चैलेंज देते ये, तो डबल सीट ये स्लाइड है ना ये घसरपट्टी टाइमिंग से देखेंगे अपन कि दादा और मैं दोनों ऊपर जाएंगे और स्लाइड करेंगे किसका टाइमिंग सबसे फास्ट होता है समझा चल रहा है ना जब आप मुझसे करवाते थे तब कैसा लगता है चल तू चलेगा पहले चल दादा प्लीज वॉच मोर यस यू कैन डू इट मेरे टैलेंट I mean, sorry. You can do it. You can do it. Ha ha ha!